पार्ट 15। उच्च शिक्षा के लिए विदेश में। बड़ौदा के उदारमना महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ महान समाज सुधारक थे। उन्होंने घोषणा की कि मेधावी अछूत छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति दी जाएगी। मेधावी छात्रों की सूची बनाई गई जिसमें भीमराव अंबेडकर का नाम सबसे ऊपर था। अतः उन्हें 25 रुपये महीने की छात्रवृत्ति मिलने लगी। महाराजा ने भीमराव से पूछा कि शिक्षा पाकर क्या करोगे, तो उन्होंने कहा कि पढ़े लिख कर मैं मानवता की सेवा करूंगा। महाराजा इस बात से बहुत खुश हुए, अतः उन्होंने भीमराव को उच्च शिक्षा पाने के लिए अमेरिका भेज दिया। लेकिन शर्त यह थी कि अमेरिका से लौटने पर भीमराव को 10 वर्षों तक बड़ौदा राज्य की नौकरी करके महाराजा का कर्ज चुकाना पड़ेगा। अमेरिका के विश्वविद्यालय में जाकर विद्याध्ययन करने वाले भीमराव अंबेडकर पहले अछूत विद्यार्थी थे। जुलाई सन 1913 में अमेरिका के महान नगर न्यूयॉर्क पहुंचे। वहां के कोलंबिया विश्वविद्यालय में एमए की कक्षा में उनका दाखिला हुआ। अर्थशास्त्र उनका मुख्य विषय था। अधिक से अधिक ज्ञानार्जन की भूख के कारण डॉक्टर अंबेडकर अमेरिका से लंदन आ गए। लंदन पहुंचकर उन्होंने स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में दाखिला लिया। यहां उन्होंने डीएससी एवं बारहेटला की डिग्रियां अर्जित की। इसी बीच महाराजा बड़ौदा का बुलावा आ गया और वे अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़कर वापस भारत आ गए। बीच में छोड़ी शिक्षा को पूरा करने के लिए वे हर समय प्रयासरत रहे। साधन जुटाते ही वे फिर इंग्लैंड चले गए और अपनी पढ़ाई पूरी की। उन्हें संस्कृत पढ़ने की बहुत तमन्ना थी, इसलिए वे संस्कृत का ज्ञान अर्जित करने के लिए इंग्लैंड से जर्मनी चले आए। जर्मनी में उन्होंने पहले तो संस्कृत सीखी और फिर उसी काले में संस्कृत पढ़ाने का काम किया। डॉक्टर अंबेडकर से पूर्व विदेशों में जाकर कोई अछूत व्यक्ति अध्ययन न कर सका था। इस दौरान भीमराव ने पूरा सदाचारी जीवन बिताया। आज का वीडियो इतना ही। साथियों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगला वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल विनय बौद्ध को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। नमो बुद्धाय। जय भीम।